नाज़रीन, इस वक्त हम थानासिटी मुरीद के में मौजूद हैं और वस्तफा कातिल हमारे साथ मौजूद है, जिसने महज मामूली सी बात पे अपने ही दोस्त को जान से मार डाला। वजह क्या थी? चूंकि हमने बताया था अपने नाज़रीन को कि हम प्रोग्राम में हर वो हकायक आपके सामने लाएंगे जिसको शायद अभी तक किसी ने आपको ना दिखाया, तो इसी से बात करते हैं कि रीजन क्या थी। क्या नाम है भाई? मतीन हुसैन। अच्छा, कितनी उम्र है तुम्हारी? 18 साल 2 महीने। 18 साल 2 महीने। अच्छा, पढ़ते हो या कोई जॉब करते हो? स्टडी भी करता हूँ और जॉब भी करता हूँ। किस क्लास में हो, किस स्टैंडर्ड में हो? मैट्रिक में। मैट्रिक में। अच्छा, कत्ल तो कर दिया, अब क्यों घबरा रहे हो? उस वक्त क्यों नहीं घबराया जिस वक्त मारा था? उस वक्त गुस्सा था, गुस्सा किस चीज का गुस्सा था? उसकी बातों का, उसने क्या हुआ था? क्या हुआ था? उसने धमकियां लगाई थी मुझे। कौन सी धमकियां? ये कि मैं तुम्हारी बहन को उठाऊंगा, तुम्हारे घर वालों को उठाऊंगा, तुम्हारे अब्बू को मारूंगा, तुम्हारी बहन के साथ ज्यादती करी। ये सी बात? ये हो जी। वजह क्या थी? पूरी बात क्या हुई थी? पूरी बात बताओ, ये मामला शुरू कहाँ से हुआ था? और दोस्ती कितने अरसे की थी पहले ये बताओ, कितने अरसे से दोस्त थे? दोस्ती 2 साल। अच्छा, 2 साल से, 2.5 साल से। अच्छा, सारा मामला क्या था ये, फिर ये गुस्सा क्यों आया? मामला ये था, उसका कोई डेरा वगैरह था, वाकफ था उसका डेरा वगैरह। अच्छा, वहाँ पे उसने कोई उसके जाने वाली लड़की थी। अच्छा, ठीक, उसका कोई रिश्तेदार थी। रिश्तेदार थी या दोस्त थी? उसकी कदर में गया था, उसने मुझे यही बताया था। अच्छा, उसने उसको वहाँ पे बुलाया था। अच्छा, किस लिए? पता नहीं, वो उसको पता है। अच्छा, और उसने मुझे फोन किया था उस दिन के देर आओ मेरे तेज ठीक, उसने मुझे फोन किया कि तुमसे मुझे काम है, आगे मेरी बात। मैं क्या काम है? कहते तुझे काम है मुझे। मैं उधर गया, उसने कहा इधर खड़े हो, 4 मिनट में आता हूँ। मैं उधर खड़ा हुआ हूँ, वो थोड़ी देर के लिए गायब हुआ, थोड़ी देर के बाद आया और कुछ साथ लड़की थी। ठीक, वो कोई और लड़की थी या तुम्हारे साथ वही लड़की थी? मेरे साथ नहीं वो। अच्छा, उस लड़की को और तुम्हें वहाँ छोड़ के खुद निकल गया वहाँ से? मेरी बात सुने ना। अच्छा, ठीक, वो फिर वहाँ से लड़की लेके आया, मुझे कह रहा है ये मेरी कजन है, यहाँ पे 4-5 मिनट खड़े हो, मैं आता हूँ कुछ खाने पीने के लिए, कुछ चीज ले आऊँ। अच्छा, वहाँ पे वो छोड़ के चला गया, मैं बाहर खड़ा हुआ हूँ अंदर ही, वो लड़की भी अंदर ही बैठी हुई थी और वो गया, बाद में वापस नहीं आया। ठीक, आधे घंटे बाद उसके भाई आए हैं लड़की के। ठीक, उन्होंने मुझे मारना शुरू कर दी। ठीक, मुझे मारा, उन्होंने चपेटे चपेटे मारी है मुझे, मार के तो मुझे क्या कह। ठीक, मैंने उन्हें कहा कि ये मैंने नहीं लेके आया उनको, ये उनको आप खुद पूछ लें, मैं ही लेके आया उनको, जो लेके आए वो भाई आ जाते हैं अभी इधर ही रहे। वो कहता नहीं, हमें पता है जो भी लेके आया, लेकिन तुम मैं बाद में, ठीक है उसे हम बाद में पूछेंगे। वो ऐसा कह के चले गए, मैं भी चला गया बाद में घर वापस। वो खुद ना आया जो लेके आया था लड़की को। फिर उसके बाद मैं घर चला गया, 1-2 दिन बाद उसका फ़ोन आया मुझे, 2 दिन बाद। उसने मुझे कहा तूने मुझे, ठीक है उसने मुझे कहा कि तूने मेरे साथ अच्छी नहीं की। मैंने कहा मैंने क्या किया? मैंने कहा नंबर से तूने खुद अपना बंद किया, तूने मुझे मार डलवाई है खुद। कह रहा मैंने नहीं डलवाई, तूने मुझे डलवाई है। मैंने क्या किया? कह रहा तूने उनको बताया मेरी फैक्ट्री का एड्रेस, मेरे घर का एड्रेस, और उन्होंने मुझे, 4-5 लड़के आए, उन्होंने मुझे बड़ा मारा। और अब तू अपना ना अपना आप संभाल ले, मैंने तुम्हें छोड़ना नहीं, और तुम्हारी बहनों को ऐसा करूँगा, फलां करूँगा, ऐसी वैसी उसने धमकी लगाई थी। उसके बाद थोड़े दिनों के बाद मैंने उसको फोन करके बुलाया, फिर बुला के फिर मैंने उसको मार दिया। उसने तुम्हें धमकियां लगाई, तुम्हें वक्त ही गुस्सा आया, कुछ दिन के बाद तो गुस्सा उतर जाना चाहिए। कुछ दिन के बाद फिर ऐसी बातें हुई थी उसके साथ। क्या बातें हुई? क्या वो लगातार धमकियां लगाता रहा तुम्हें? नहीं, 1-2 दफा तो वो मेरे पीछे भी आया है बाइक पर। फिर उसके बाद मैंने किसी को बताया नहीं, मैंने शेयर नहीं किया। तुमने उसे बुलाया कैसे वहाँ पे? फोन करके। किस तरह, क्या प्लानिंग क्या की? मेरे साथ वो, मेरे पास पुरानी सिम पड़ी हुई थी किसी की, मुझे नहीं पता था वो किसकी है। ऐसा तो नहीं होता, सिमें बायोमेट्रिक हो चुकी हुई आजकल, पुरानी सिमें बंद हो चुकी हुई है सब। किसकी सिम थी वो? वो लड़का था जो मेरे साथ ही काम करता था यहाँ पे दुकान पर। तुम्हें पता था किसकी सिम है? 1.5 साल पुरानी की वो सिम थी मेरे पास। ठीक, वो डाल के मैंने फोन करके उसको बुलाया था। उसने मुझे कहा तुम कहाँ हो? मैंने कहा मैं घर हूँ। ये तुम्हारा घर है जहाँ पे कत्ल किया उसे? नहीं, ये उसका कुछ जानने वाला डेरा। वो डेरा तुमने कैसे हायर किया?
वो डेरे को मैं जानता था पहले भी। वहाँ डेरे पे तो लोग भी आते जाते होंगे ना? नहीं, शाम था, रात का वक्त था, वहाँ पे कोई नहीं आता। तो ऐसे किसी के डेरे में तुम घुस गए उसने, तो किसी ने तुम्हें रोका नहीं? उसने मैंने उसको उसने मुझे कहा था ना डेरे पे आ जाओ। अच्छा, बैठ के बात करते हैं। अच्छा, वहाँ पे गया था, गया उसने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलने के बाद मैं अंदर बैठ गया। उसके बाद फिर उसके बाद उसके साथ बातें हुई हैं, एक दो बातें हुई। उसने कहा कि तू जितना मर्जी भाव है तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं कहा यार मैंने तुम्हें क्या कहा? तूने कहा बस तू जो भी किया वो मुझे गुस्सा था इस वजह से मैंने। उसने कहा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ये कुछ हुआ वो कुछ हुआ, ये सारी बात मैंने तुम्हारी सुनी है जी। मुझे सिर्फ ये बताओ कि उस वक्त तुम्हें वक्त ही गुस्सा आया और तुमने कोई चीज उठा के उसके सर में नहीं मारी, तुम असला लेके गए थे उसे मारने की वजह से जी। इसका मतलब है तुम्हारी नीयत में पहले से एक खोट था जी। तुमने वो असला कहाँ से लिया था? मेरे पास था पहले। कहाँ से लिया था? वो मैंने उसी से लिया था 6 माह पहले। वो मुझसे लाइसेंस तो नहीं है ना उसका? नहीं, लाइसेंस। कत्ल की गर्ज से लिया था या पहले मुजरिम हो तुम लोग डकैतियां करते रहे हो? मुजरिम नहीं। तो फिर असला 18 साल का बच्चा हो, 18 साल कुछ महीने उसकी उम्र हो, स्टूडेंट वो हो मैट्रिक का, और उसके पास असला हो, ये बात मुझे समझ नहीं आई कहीं से। मैडम शौक था वैसे इसलिए। क्या शौक था? जागीरदारों को तो ऐसे शौक सुने, कौन सी जागीर है पीछे? गलती हो इसका मतलब है कि तुम लोग पहले भी लोगों को लूटते हो, मिलके तुम लोग क्राइम करते हो। इससे तुम्हारा झिझक उतरी भी थी, जिसे वो पंजाबी में कहते हैं कि एक किस्म का जाका खुल जाना, तुम्हारी झिझक खत्म हुई भी थी। तुम लोग को गोलियां मार दी उसको, आज पकड़े गए हो तो कांप रहे हो यहाँ पे। मासूम तो तुम नहीं हो, कांपते लोग हो, नाबालिग भी नहीं हो, कानून के मुताबिक बालिग हो तुम। अपने मुस्तकबिल का ख्याल नहीं किया तुमने, अपनी तालीम का ख्याल नहीं किया तुमने, अपने घर वालों का ख्याल नहीं किया तुमने, उठ के जाके गोलियां मार दी हैं। और तुम कह रहे हो कि मुझे उस वक्त गुस्सा आया, तुम्हें तो पहले से नियत में कोई हमारे कोर्ट था, तुमने असला रखा हुआ था पास, तुम लोड करके लेके गए थे गन। कत्ल करने से कितनी देर पहले लड़ाई हुई और कितनी बार हुई है? कत्ल करने से तकरीबन 10 दिन पहले ये बातें। सिर्फ मामूली तलख कलामी के ऊपर तुमने उसकी जान ले ली, अपना ही दोस्त मार दिया, वो तुम्हें एतबार करके तुम पे आया ना? वो कोई चीज लाया था? निहत्ता आया था ना, खाली हाथ था। तुम्हें कोई कंप्लेंट थी, तुम उसके दोस्त थे, तुम उसके घर चले जाते, उसके भाइयों से, उसकी वालदा से बात करते, तुमने ड्रामा रचाया, पूरा प्लान किया, एक पुरानी सिम उठाई, किसी की सिम से उसे फोन किया, उसे बुलाया, गन लोड की, उसे मार दिया। करने के बाद कहाँ भागे थे? घर वापस आए। घर जाके भी किसी को शक नहीं होने दिया है? इतना पक्के थे तुम? फरार हो गए थे ना तुम वहां से, पुलिस ने बड़ी मुश्किल से पकड़ा तुम्हें जी। हाँ, प्लानिंग क्या की थी कि कत्ल कर दूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा, सिम भी किसी और की है, मैं बच जाऊंगा जी। प्लानिंग क्या की थी? प्लानिंग यही थी किसी को पता नहीं चलेगा। क्या नहीं चलेगा, मुझे पूरा सुनाओ, प्लान क्या था? प्लान ये था कि सुन किसी में किसी की होगी वो पकड़ा जाएगा, मैं नहीं पकड़ा जाऊंगा। नहीं पकड़ा जाऊंगा, बड़े शातिर हो तुम हैं। क्या होना चाहिए तुम्हारे साथ? फांसी दे दी जाए। फांसी दे दी जाए हैं? क्या कहता तुम्हारा जमीर? क्या कहता तुम्हारा जमीर तुम्हें? फांसी दे दी जाए।